उनको हर वक्त खांसी की शिकायत रहती है और खास तौर पे सर्दियों में उनकी शिकायत बढ़ जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि आप मतलब टीचर हो तो बच्चों में रहते हो और ये मतलब वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन सर्दियों में उनकी तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। गर्मियों में भी मामूली रहती है, लेकिन सर्दियों में बहुत बहुत मतलब बढ़ जाती है। तो इसका कुछ मतलब अच्छा ये बताइए कि उनको जो खांसी होती है, खांसी के साथ रेशा आता है? नहीं, ये रेशा ड्राई ड्राई सिर्फ ड्राई खांसी है। तो ड्राई खांसी के लिए बेहतरीन काम यह है कि आप जो है जब भी कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दें, एक काम ये करें। दूसरा ये करें कि नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर एक चम्मच कलौंजी का तेल डालें, उससे गरारे करें। तीसरा काम ये करें कि आपको खांसी बहुत ज़्यादा है तो आप गुड़ ले लें, यानी कि जिसे गुड़ कहते हैं, वो गुड़ जो है आप दिन में उसकी गुठली जो है यानी थोड़ी सी डिल्ली ले लें, उसको चूसती रहें, ये बहुत मुफीद है। तीसरा अमल ये है कि शहद कलौंजी का तेल और मेरा जो वो नुस्खा बड़ा मशहूर है, ये कलौंजी का तेल, शहद और अदरक का जूस ये इस्तेमाल करें सुबह के वक्त में और रात को सोते वक्त।